नमस्ते सभी को। अभ्यास एक के स्टेप वन पे हम लोग बात कर रहे थे। उसमें जो ध्यान देने के मुद्दे हैं उसको और बारीकी से हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। उसी को लेकर कल कई सारे प्रश्न बने और उन पे चर्चाएं हुई। तो अभ्यास एक में मूल रूप से अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर कल्पनाशीलता में चल रहा है। और उसको ध्यान देने के क्रम में उन्होंने ये तय किया कि जो भी कल्पनाशीलता के बिंदु हैं उनको कहीं लिखते चलें और देखें कैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ध्यान जा रहा है। पार्ट बी में फिर हम लोगों ने ये तय किया कि इसमें मुख्य मुद्दा तो भाव का है, तो भाव पे ध्यान दें, किस किस भाव के साथ विचार चल रहा है, भाव क्या है। और इसमें ये ध्यान रखने की बात थी कि हमें अपने ऊपर कोई भाव को आरोपित नहीं करना है, बदलना नहीं है, उसको अच्छा बुरा नहीं कहना है, यानी मूल्यांकित नहीं करना है, उसे प्रभावित नहीं होना है, उसे रोकना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, और सिर्फ अपने आप में ऑब्जर्व करना है। तो दिखता है कि वैसे तो ये बहुत सरल स्टेप है, तो जो पहले भी कई बार बात हुई कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही दृश्य हूँ, तो अपने आप में तो बहुत सिंपल काम है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है और महत्वपूर्ण भी है। परंतु कई बार ये होता है कि हम उसको ठीक से देख नहीं पाते, तो हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी आती है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। परंतु कल के असाइनमेंट को लेकर और कल के दिन भर के अभ्यास को लेकर यदि आपका कोई प्रश्न बना हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। ये भी कल बात हुई थी कि जब हम अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान दे जाते हैं तो कुछ मेजर इश्यूज होते हैं जो हमारी कल्पनाशीलता को घेरे हुए रहते हैं, और यदि हम उन पर समाधानित ना हो पाए तो ज्यादा समय लौट लौट कर उन्हीं पर ध्यान जाता है। तो उसको विधिवत अपने आप में नोट कर लेना ठीक है कि ये मेजर इश्यूज है जिसपे कल्पनाशीलता बार बार लौट के आती है। किसी का स्वास्थ्य का मुद्दा हो सकता है, किसी के आय का मुद्दा हो सकता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ संबंध का मुद्दा हो सकता है, परिवार में संबंध का मुद्दा हो सकता है, आदि कुछ इस तरह के मुद्दे हो सकते हैं, उनको अपने आप में लिख लें। तो यह सरल है क्योंकि कल्पनाशीलता तो निरंतर चल रही है, देखने की क्षमता हमें स्वाभाविक रूप में है ही, मुझे बस देखने का निर्णय लेना है और देखना है कि नहीं। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षण में मेरा सुख दुख मेरे भाव मेरे विचार पर ही निर्भर करता है, मेरी कल्पनाशीलता पर ही निर्भर करता है। जब अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देंगे तो आपको अपना सुख और दुख भी ठीक से पता चलेगा। अभी हम सुख और दुख को कई बार लोकेट करते हैं बाहर घटी हुई घटनाओं में, कोई बड़ी घटना हो गई, बुरी घटना हो गई, हम कहते हैं दुख हो गया, कोई अच्छी घटना हो गई तो हम कहते हैं सुख मिला बाहर। परंतु यदि अपनी कल्पनाशीलता में देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे भावों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे हम क्षण क्षण में आराम में आते हैं, परेशान होते हैं, ऐसा चलता रहता है, और यही मेरा सुख दुख है। तो जो बाहर वाली घटनाएं हैं है ना, उनके आधार पर तो मैं सुखी दुखी होता ही हूँ, परंतु अपने अंदर जो हो रहा है, सुख दुख चल रहा है, उसका कई बार मुझे होश नहीं होता। तो बाहर घटने वाली घटनाओं में अनुकूलता बनाकर सुखी होने के लिए कई बार प्रयास चलता है, जो बड़ी घटना कुछ हो जाए ठीक है ना, परंतु तो अपने अंदर जो चल रहा है, भाव में चल रहा है, विचार में चल रहा है, उसके साथ जो मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ उसका ध्यान नहीं रहता। तो पता लगा कि मेरा सुख दुख तो अल्टीमेटली मेरी कल्पनाशीलता में है कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे विरोध का भाव चल रहा है तो मैं दुखी होता हूँ। दुखी होता हूं मतलब मैं एक ऐसी स्थिति में होता हूँ जिससे बाहर निकलना चाहता हूँ। किसी के प्रति भी मेरे अंदर दुख आ रहा है, विरोध का भाव आ रहा है, तो उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, और ये स्थिति ही असहज स्थिति है। और यदि मुझमें संबंध का स्नेह का भाव चलता है तो मैं उसमें बने रहना चाहता हूँ, मैं सुखी होता हूँ। तो जिस स्थिति में बने रहना चाहता हूँ निरंतरता में, वही सुख है, और जिससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ वो दुख है। तो सुख और दुख भी बहुत ठीक से पकड़ में आता है जो अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देते हैं। अल्टीमेटली मेरी कल्पनाशीलता में हारमोनी है ठीक, तो मैं सुखी होता हूँ, डिसहारमोनी है तो मैं दुखी होता हूँ। और कई बार पता लगे कि डिसहारमोनी तो बनी ही रहती है किसी न किसी रूप में। जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस पर शंका है, उस पर स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो उसको लेकर अपने आप में उलझन परेशानी तो बनी ही रहती है। तो अभी जिसको हम सुख कह के स्वीकारे में भी रहते हैं, वो सुख ही है या कुछ क्षणिक रूप से हमारे अंदर जो बड़ा दुख था वो चला गया, वो है, ये भी पकड़ में आएगा।
जब निरंतर सुख की बात कर रहे हैं तो क्या स्थिति है, वो भी ठीक से समझ में आएगा, है ना, कि निरंतर सुख की स्थिति में जब मैं होता हूं तो क्या स्थिति होती है। तो मेरी कल्पनाशीलता में कहीं भी लेश मात्र कोई अनर्गल भाव न रहे, विचार न रहे, तब तो मैं उस सुख की स्थिति में होता हूँ। अन्यथा अभी ये अनुकूलता की स्थिति होती है, कुछ अनुकूल हो गया बाहर तो स्वयं अनुकूलता बन गई, कुछ प्रतिकूल हो गया बाहर तो स्वयं प्रतिकूलता हो गई, ऐसा चलता रहता है। तो इसको हम देखें, अपनी कल्पनाशीलता के मुद्दों को देखें ध्यान से और उसको लिखें। इतने को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आपने ये नोट किया हो कि आपके मेजर इश्यूज क्या हैं जो आपकी कल्पनाशीलता को घेरे रहते हैं, तो यहाँ पे आप चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि ऐसे कुछ मुद्दे आपको ध्यान में आ गए जिसको आपने नोट कर लिया। तो स्टेप वन में कुछ सामान्य से समस्याएं आती हैं, उसमें थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं। ये उसकी चर्चा से ही ये चीजें ध्यान में आई है, इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। जी, तो हम जिसे महत्वपूर्ण मानते हैं हम उस पर ही ध्यान देते हैं। तो जब तक बाहर की चीजों को ध्यान देते हैं, इस क्षण आपका ध्यान जहां भी है उसे देखते रहे, भले वो बाहर ही क्यों ना हो, यह निर्णय बना रखें कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है। और जब भी आपका ध्यान आपकी कल्पनाशीलता को लौटे उसे देखते रहे, यह आप देख पाते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी कल्पनाशीलता महत्वपूर्ण है, आपका भाव विचार महत्वपूर्ण है। तब आपका ध्यान आपकी कल्पनाशीलता की ओर जाएगा, आपके भाव की तरफ जाएगा। तो एक कई बार प्रयास होता है कि कुछ दिख नहीं रहा या ध्यान बाहर जा रहा है, हम उसको समेट के बलपूर्वक जोर लगाकर अंदर ध्यान देने का प्रयास करते हैं, तो वो बहुत अच्छा अभ्यास नहीं है ना, क्योंकि उससे अल्टीमेटली आप थक जाएंगे थोड़ी देर में। हो सकता है शरीर पे भी उसका एक प्रभाव पड़े, सिर में भारीपन आने लगे, थकावट होने लगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। हमको ये पता लगे कि अल्टीमेटली उपलब्धि तो स्वयं में ध्यान देने की है, उपलब्धि तो अपने ऊपर ध्यान देने की है, क्योंकि यहीं से मेरा सुख दुख है। तो बाहर का ध्यान जा भी रहा है उसे बहुत बलपूर्वक जोर लगाकर अंदर लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पता लग गया कि मैंने अभी इसको महत्वपूर्ण माना, वैसे उस पर ध्यान दे रहा हूँ। अंदर की चीजें महत्वपूर्ण लगेंगी तो उस पर ध्यान दूंगा, तो बस इसको देखना है कि मैंने महत्वपूर्ण क्या माना हुआ है। जी रजनीश जी, स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस आ जाती है और मेरी जो मेटेरियल प्रोडक्टिविटी है, जो बाहर के लिए मैं प्रयास इतना करता जो करता रहता था, बाहर परिवार के, समाज के, इवन स्वयं से संबंधित भी, उसमें भी थोड़ा शिथिलता का मैं अनुभव करता हूँ। तो ये जो थॉटलेसनेस की स्टेट है, या इसमें मैं कुछ सुस्त हो गया हूँ विचारों में, ये वो क्या है, मैं उसको ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ भैया। जी बढ़िया बिंदु है ये। इनफैक्ट इसमें होता क्या है, ये कई बार हम बाहर काम करने के बहुत अभ्यस्त होते हैं जी कि ऐसा कर दें, वैसा कर दें, इसको बदल दें, उसको ठीक कर दें, यहाँ परिवर्तन ला दें, है ना। कई बार ये होता है कि हम जब मानव लक्ष्य के रूप में भी कुछ गतिशील होते हैं, उस पर काम करने जाते हैं, तो वहां भी हम बाहर की चीजों को बदलने का बहुत प्रयास करते हैं, सबको समझदार बना दे, सबको जिम्मेदार बना दे। तो होता यह है कि कई बार हमारा ध्यान स्वयं से हट जाता है। तो हो सकता है मानव लक्ष्य के अर्थ में कर रहे हो या उसके अन्यथा भी कर रहे हो, तो हमारा बाहर काम करने का बहुत गहरा अभ्यास हो सकता है, बाहर ध्यान देने का, बाहर की चीजों को बदलने का। अब जब अपने ऊपर ध्यान देने की बारी आती है और अभ्यास बाहर बदलने का है, चीजों को बाहर ध्यान देने का है, तो ऐसा लगता है भीतर तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, ना कोई बदलाव दिख जी रहा है। फिर हम उसको जब लोकेट भी करने जाते हैं अपने आप में तो लगता है कुछ बदले तो दिखे, तो कुछ बदलता हुआ दिख नहीं रहा। बट थोड़ा सा आप इस अभ्यास को बनाए रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, तो 5-10 मिनट में आपको दिखेगा कि कैसे मेरे विचार बदल रहे हैं, यहाँ ध्यान गया फिर वहां ध्यान गया। अब ये जो बाहर की चीजों को बदलने का भी जो प्रयास है, तो उसके विचार तो जी स्वयं में ही हो रहा है, बस उसके प्रति जी अवेयरनेस नहीं है। तो जो हम थॉटलेसनेस कह रहे हैं, थॉटलेसनेस नहीं है, बेसिकली होता ये है कि थॉट्स है परंतु हम उसको देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा ध्यान तो हमेशा बाहर की ओर या अक्सर बाहर की चीजों को बदलने का रहा है। तो स्वयं में जो परिवर्तन हो रहा है
विचार में परिवर्तन हो रहा है, भाव में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम नहीं देख पा रहे, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स होकर देखेंगे तो एक समय के बाद ध्यान जाने लगता है, ऐसा पता लगेगा। जी भैया धन्यवाद भैया, नमस्ते जी, नमस्ते। तो यही आपको दिखाई देगा कि ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, क्योंकि हम बाहर की चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो भैया से भी बात हो रही थी। जब भीतर की चीजें महत्वपूर्ण लगती थी, भीतर भी ध्यान जाता है। मेरा नेक्स्ट स्लाइड। एक अभ्यास का शरीर के माध्यम से देखने का, तो जैसे मैं सीधे सीधे मैं को यानी चैतन्य को देख रहा हूँ, कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, संवेदना के माध्यम से नहीं। ये आपको धीरे धीरे स्पष्ट होगा कि मैं ही दृश्य हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, ठीक मुझे ही देखना है। जैसे शरीर की आवश्यकता तो है नहीं, संवेदना की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु क्या होता है कि हम बाहर की चीजों को देखने के अभ्यस्त होते हैं और उसमें हम शरीर का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम शरीर के माध्यम से देखने जाते हैं अक्सर। तो बाहर की जो चीजों को हम पांच संवेदना शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से देखने के अभ्यस्त है, इसलिए हम मैं यानी चैतन्य को भी इन्हीं संवेदनाओं के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा लगता है कि स्वयं में ध्यान दे रहे हैं तो कोई संवेदना तो उत्पन्न होगी, जैसे बाहर कोई दृश्य चलता है वैसे आंखों के सामने कोई दृश्य चलेगा, तो आंखों के सामने तो दृश्य चलेगा नहीं, दृश्य तो आपके भीतर है। तो हम मैं के आकार रूप रंग आदि को देखने का प्रयास करते हैं और हम जिसे महत्वपूर्ण मानते हैं उस पर ध्यान ही देते हैं। तो यह भी देखते रहें कि आप यानी मैं के आकार रूप रंग आदि को देखने का प्रयास कर रहे हैं क्या, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कई बार ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कहीं कोई बात पढ़ी हो पहले से, कोई मूवी देखी हो, कोई वीडियो देखा हो, लगता है कि मैं को भी उसी तरह से देखना है, है ना। मैं का आकार तो है परंतु मैं के आकार को भी देखने का मुद्दा नहीं है, वो तो जब हम इस अभ्यास में धीरे धीरे उतरेंगे तो दिखेगा, आगे चल कर दिख सकता है, परंतु अभी क्या होता है कि हम शुरुआत ही यहाँ से करने जाते हैं, और चूंकि आंखों से भौतिक रासायनिक वस्तुओं के आकार देखने का अभ्यास है तो मैं के लिए वो ऐसे ही प्रयास करने लगते हैं। इसमें ये भी कई बार होता है कि हम मेधा से बहुत जोर लगाते हैं देखने के लिए, है ना, जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसमें संवेदनाओं का कोई ना कोई प्रभाव काम करता है, क्योंकि लगता है संवेदनाओं के माध्यम से दिखेगा, इसलिए मेधा से जोर लगाते हैं, इसलिए हम थकने भी लगते हैं। तो हमें सीधा सीधा अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, इस निर्णय को बनाए रखें, और जब भी आपका ध्यान आपकी कल्पनाशीलता को लौटे उसे देखते रहें, यही कुल करने का काम है। तो अपने को सहज होना है, अपने को बस रिलैक्स होना है, जो चल रहा है उसे देखना है, उसे नकारना नहीं है, उसे फेरना नहीं है, बदलना नहीं है, उसे लड़ना नहीं है, फैलने दीजिए, उसका बहना भी नहीं है, ये भी नहीं करना है। अदरवाइज हम एक घंटा बैठे और एक घंटा में बहते बहते किसी कहीं चले गए, निचोड़ कुछ नहीं उसका। हमें दृष्टा भाव को बनाए रखना है, देखना है, जैसे सामने में है ना मेरी कल्पनाशीलता चल रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। बैकग्राउंड में चलता रहता है कि भागीदारी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, और करने जाते हैं तो फिर वो लगता है कि अभी तो कमी है हमें, तो इसको कैसे देखें भैया? ये तो ठीक बात है कि भागीदारी की प्रेरणा तो बनी हुई है, तो उपलब्धि की बात है ना, तो कितनी भागीदारी अभी कर पा रहे हैं उसको देख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, और कितना और कर सकते हैं उसको भी नोट कर लेंगे, और किन दिशाओं में भागीदारी कर सकते हैं, किन कार्यक्रम में भागीदारी कर सकते हैं उसको भी देख लेंगे, तो उसको देख कर योजना बनाएंगे, उससे अधिक की फिर अपेक्षा नहीं रखेंगे। अभी जिन कारणों से मेरी भागीदारी बाधित हो रही है उन कारणों का भी अध्ययन कर लेंगे कि वो कारण कितने उचित हैं कितने अनुचित हैं, अगर लगता है कि अनुचित कारण है तो फिर उस पर काम करेंगे ताकि भागीदारी और बढ़ पाए, और अपने ऊपर काम करने का काम तो 24 घंटे कर सकते हैं, ये जो समझदारी के लिए काम है ये तो 24 घंटे कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा है नहीं, बस इसमें होश बनाए रखना है। तो अगर हम कोई भागीदारी भी करने जाएं और ध्यान हमारा बाहर की ओर लगा रहे
ठीक है ना, तो आप पाएंगे कि हमने काफी समय लगाया, भागीदारी भी बहुत फैल के की, बट स्वयं में कोई उपलब्धि नहीं दिख रही, वो भी एक निराशा की स्थिति बनती है कि देखो इतना सारा तो भागीदारी किया, इतना तो काम किया, इतना समय लगाया, बट स्वयं में कल्पना शीलता की वही स्थिति है, अभी वैसे ही इरिटेट हो रहे हैं, वैसे ही संवेदनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। तो कई बार ये भी होता है कि हम बाहर भागीदारी करते हुए ध्यान जब बाहर ही लगा रखते हैं तो भीतर वाला काम शेष रह जाता है। तो भागीदारी भी करेंगे बट मूल रूप में तो अपने ऊपर होश के साथ देखना है और अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर इमार्जन करना है कि अपने को अंदर से देखना है, किसी बिंदु पे देखना है, किस जगह देखना है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये भी एक कठिनाई है, इसको भी हम लिस्ट कर सकते हैं इसमें, कि कई बार हम एक बिंदु को अपने अंदर लाकर उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कई बार कोई प्रयास करता है कि ओम के आकार को देखा जाए, कोई प्रयास करता है कि मस्तिष्क के किसी अग्रभाग को देखा जाए, कोई प्रयास करता है कि नाभि के किसी हिस्से को देखा जाए, ऐसा नहीं, जो भी चल रहा है उसको देखना है, कोई बिंदु भी तय नहीं करना है, किसी एक वस्तु को कल्पना में लाकर उसको देखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर भाव विचार चल रहा है, आपको देखना है। अभी जैसे आपने प्रश्न किया, उस प्रश्न के पीछे एक विचार हुआ, विचार के पीछे कोई भाव होगा, उसको देख ले क्या है। विचार ये है कि अभी जब भी मैं बैठता हूँ तो ब्लैंक रहता है, कुछ भी नहीं आता है विचार में, मतलब वही बेसिकली इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अभी हम कोई वस्तु को आरोपित करके देखने का प्रयास करते हैं या बाहर देखने का प्रयास करते हैं, तो इन दोनों स्थितियों में हमको लगता है ब्लैंक सा हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। बट आप थोड़ा और समय लगाएंगे ना, 5-10 मिनट में, और कुछ भी फोर्स मत करिए अपने ऊपर कि मुझे ध्यान से ये चीज देखनी है, बस जो चल रहा है उसके प्रति अवेयर होना है, आपके अंदर ही चल रहा है, आप ही को देखना है, बस होश को बनाए रखना है। मतलब ब्लैंक ही रहते हैं, दिखता कुछ नहीं है। आप एक कॉपी पेन लेके बैठे कभी? हाँ, तो उसको लेके बैठे और नोट करें, जैसे मान लीजिए इस सत्र के बाद ही, ठीक है ना, आपका ध्यान नाश्ते की हो जाएगा, तो आपके अंदर ही तो नाश्ते की ओर ध्यान गया, कल्पनाशीलता में चला कि नाश्ता करना है, तो जब नाश्ते के लिए आप उठे तो नाश्ता की ओर ध्यान तो गया ही, नाश्ते की ओर जब ध्यान गया तो जो नाश्ता पका रहे होंगे उनकी ओर भी ध्यान जाएगा, तो आपके अंदर ये सब तो चल ही रहा है, तो उसको नोट कर लीजिए कि नाश्ते की ओर ध्यान गया नाश्ते से, इससे पहले जब नाश्ते के लिए उठे आप नोट करिए, तो आपको दिखेगा कि नाश्ते की ओर ध्यान गया, नाश्ता पकाने वाले की ओर ध्यान गया, उसके साथ जुड़ी हुई कल कोई घटना पे ध्यान गया, उस घटना से किसी और वस्तु पे ध्यान गया, मकान पे ध्यान गया, मकान से दुकान पे ध्यान गया, दुकान से यहाँ ध्यान गया, वहां ध्यान गया, ऐसे माइग्रेट करता रहता है। तो उसमें आप ऐसा कर लीजिए कि पिछले 4 घंटों में किन किन मुद्दों पे ध्यान गया उसको रिकलेक्ट कर लीजिए, तो जैसे 8 से 12 आप है ना कुछ अपने काम में लग रहे, 12 बजे आपने ध्यान देना शुरू किया अपने ऊपर, तो 8 से 12 में आपने क्या क्या किया उसको एक बार रिकलेक्ट करिए, फिर उसके साथ क्या क्या भाव जुड़ा हुआ था, आपने जब नाश्ता किया तो आपके अंदर क्या भाव था, नाश्ते से उठकर आप ऑफिस के लिए गए तो क्या भाव था, ऑफिस में लोगों से मिले तो आपके अंदर क्या भाव था, वहां इंटरेक्शन किए तो क्या भाव था। वो भी है कि अभी क्या है कि मैं रिटायर हो गया हूँ, सारे वो जो है मतलब ऐसी कोई रिलेबिलिटी नहीं है, तो उस तरह क्या कोई थॉट विचार चलती नहीं है, मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपके अंदर कंसर्न्स में बहुत सारे, इसलिए बात हुई थी कि अगर नहीं कुछ पता चल रहा या बहुत भगदड़ हो रही है, दोनों स्थितियों में अपने मेजर कंसर्न्स लिख लें, तो जैसे हो सकता है बच्चों की शादी को लेकर, शादी हो गई है तो उनके बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके आपस के संबंध को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, बहुत सारे आपके अंदर कंसर्न्स बने हुए हों, ठीक है, कोई अगर कहीं से मान लीजिए उदाहरण के लिए कर्ज है तो कर्ज को कैसे चुकाना है उसको लेकर, प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको लेकर, जहाँ रह रहे हैं अगर वहां थोड़ी सी अशांति है मान लीजिए शहर में गली में मोहल्ले में उसको लेकर, ठीक, घर के अंदर में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को लेकर बहुत सारे हमारे कंसर्न्स हो सकते हैं, उसके एक बार आप नोट करिए तो फिर उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा भाव विचार आपको स्पष्ट होगा। भैया ये विचार देखते समय विश्लेषण भी होता है उसका, और एक आशा जो आस्वाद में है तो उससे रिलेटेड कुछ आशा तो बनी ही है,
लेकिन ये विश्लेषण होने लगता है, तो बहुत सारा समय उसमें विश्लेषण में ही चला जाता है। तो ये ठीक रहे कि इसको विश्लेषण भी रोकना है? देखिए इसमें दो कठिनाइयां हैं, एक तो विश्लेषण करते हुए उसका विश्लेषण का बह जा रहे हैं, दृष्टा भाव चला गया, तो वो तो ठीक नहीं है। जी, इसमें भैया जैसे विश्लेषण का ये है कि उसमें ये होने लगता है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, अगर ऐसा हम जो कर रहे हैं वो, वहां पे दृष्टा भाव तो नहीं जाता, चीजें सारी दिखती रहती हैं और फाइनली एक डिसीजन भी होता है कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। हाँ तो उसको निश्चित करने का तरीका ये है कि हम अपने आप से पूछें कि मैं चाहता क्या हूं। जैसे कई जी बार मान लीजिए परिवार में कुछ खटपट हो गई, ठीक, कोई घटना हो गई, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं अपने आप में बैठे हुए, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अब उसमें हम देखें तो हम अपने आप में पूछ सकते हैं मैं चाहता क्या हूँ। तो मैं हारमोनी चाहता हूँ, तो हारमोनी के टर्म्स में अगले व्यक्ति क्या भागीदारी हो सकती है उसका विचार करेंगे, मेरी क्या भागीदारी से उसका विचार करेंगे, बजाय इसके कि डिसहार्मनी कैसे कैसे हुई उसका विश्लेषण करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जी डिसहार्मनी जैसे जैसे हुई वो तो हमको ध्यान में रहेगा, उसका ध्यान तो जाएगा, परंतु वो उसमें फेंटने वाला काम नहीं होगा कि बार 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 वही चल रहा है। जी और इसीलिए जी जब भैया मैं क्या चाहता हूँ अपने आप से पूछता हूँ तो मुझे अपना भाव स्पष्ट होने लगता है। जी जी हाँ भैया, तो विश्लेषण में यही पार्ट है कि जब ये ढूंढने जाते हैं कि ये क्यों हुआ, तब तो समस्या और एक डिसहार्मनी से दिखती है जो परेशान भी करती है। लेकिन क्या किया जाए जब ये सोचने बैठते हैं तो कभी कभी ब्लैंक हो जाता है, और जब मिल जाता है क्या करना है तो फिर थोड़ा हार्मनी बनती है, देखिए तो क्या ऐसा तो किया दिख रहा है। जाए इससे पहले है ये तय करें कि मैं चाहता क्या हूं। जी तो मैं किसी ने अगर गलत किया तो उसके प्रति विरोध करना चाहता हूँ, या मैं संबंध के भाव के साथ उसमें समझ विकसित करना चाहता हूँ, इसको पहले तय करना पड़ेगा। तो जी होता यह है कि हमारे अंदर किसी मात्रा में तो एक इरिटेशन बना रहता है, कहने से भी कोई मान नहीं रहा है ना, जान मतलब ऐसा लगा जानबूझकर गलती कर रहा है, तो उन सब चीजों को लेकर हमारे इरिटेशन बना रहता है और अपने आप में ही हम थोड़ा सा व्याकुल परेशान से हो जाते हैं उन चीजों को लेकर। तो उसमें अगर अपने आप से पूछें कि मैं चाहता क्या हूँ, ठीक, तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ दूसरे को सही जीने में, तो सही जीना चाहता हूँ दूसरे को सही जीने में कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, उसके लिए योजना कार्यक्रम बनाएंगे तो बन जाएगा। बट अपने को लगता है कि दूसरे ने गलती की, उसकी गलती को ठीक कर देना है, रोक देना है, सुधार देना है उसको, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट करने वाला फीलिंग नहीं रहा, तो फिर हम कई बार अग्रेसिव होते हैं, फिर कई बार उसमें फियर आता है बात बिगड़ ना जाए एंड सो ऑन, तो विश्लेषण बहुत लंबा चलता है। जी, तो भैया इसमें जो मतलब बात हुई कि दूसरे के विरोध वाली, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा अननोन नहीं है या बहुत रिलेटेड जिससे फील नहीं करते, वहां तो इतना नहीं रहता ये विरोध, लेकिन जिससे रिलेटेड फील करते हैं या माना हुआ है, जिसको सही कहना तो ये होगी माना हुआ है, तो वहां पे ये ज्यादा विरोध आ जाता है, क्योंकि कुछ आशाएं बनी हुई हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन से बने हुए हैं, होता तो है, अभी देखिए काम वही कर। तो हमारे टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो वहां पे आप ना, अगर वहां पे आप भाव को देखेंगे और वहां समझने का प्रयास करेंगे कुछ करने के बजाय, जी इमिडिएटली कुछ करने के बजाय, तो आप पाएंगे कि ऐसे मौकों पे ही हमारे अंदर इनडेप्थ विश्लेषण होता है, इनडेप्थ एनालिसिस होती है और वास्तविकता पे ठीक से ध्यान जाता है कि मैं क्या हूँ, यह क्या है ना, हम दोनों साथ क्यों हैं, ठीक, क्या मेरा संबंध इसी व्यक्ति के साथ है या समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ है, वे मेरे अनुसार चले ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, ठीक, मैं उसके अनुसार चलूँ वह ऐसा व्यक्ति क्यों सोच रहा है। तो अगर इन मुद्दों पे आप बारीकी से ध्यान देंगे तो वो प्रश्न जो आपके अंदर रेयरली उठते हैं वो उठने शुरू होंगे, है ना, कि ये परिवार में हम साथ साथ कैसे हुए, क्यों हुए, ठीक, तो उस सेल्फ की अपनी एक यात्रा है, वो अपने अनुसार चल रहा है, कुछ यूं से के आधार पर हम साथ साथ रहने लगे, है ना, जहाँ कुछ मान्यताएं मिल गई, चाहे हमारी मिल गई चाहे हमारे परिवार वालों की मिल गई, साथ साथ रहने लगे, पूरा मूल्यांकन नहीं हुआ, परंतु उस व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है, वो उसकी जितनी
कॉम्पिटेंस है उसके अनुसार ही वो आगे के लिए प्रोग्राम बनाएगा। उसका पर्पज सुखी होना ही है, परंतु तो सुख के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। पोटेंशियल उसमें भी समझने का है पर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। प्रोग्राम उसके लिए भी यही है, अपने आप में जांचना, समझना, जी कर देखना, बट उसमें लग नहीं पा रहा। तो मैं इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करूँ, एक बात। दूसरी बात, मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूँ? किसी को सुधार देना है, इसी को कॉम्प्लीमेंट करना है। जो समाज में और लोग हैं जो पहले से समझने को तैयार बैठे हैं, उनके लिए समय क्यों नहीं लगा रहा? ठीक। और ये बहुत सारी मान्यताएं भी अपनी फिर टूटेंगी, कि अभी बहुत सारे हमारे अंदर चीजें विचार रूप में बनती बनी रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर ये संबंध ठीक नहीं चला, लोग क्या कहेंगे अगर परिवार में कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो उनका भी आकलन करेंगे कि जो लोग क्या कहेंगे का जो फियर है वो भी मेरी प्री कंडीशनिंग है। तो हम तो अब ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग के रूप में देखना शुरू करते हैं, परिवार के भीतर या परिवार के बाहर। परिवार के बाहर कौन से हम हर व्यक्ति को समझा पा रहे हैं, तो परिवार के भीतर हम क्यों पीछे पड़ गए हैं, किनको समझाई के दम लेना है। तो मेरा काम है समझना और दूसरे के समझने में सहयोग करना, है ना। परिवार जो बना है उसमें भी हम समझेंगे कि परिवार का आधार क्या होता है, परिवार होता क्या है, परिवार बनाया क्यों जाता है। ये जो मौलिक प्रश्न है ना, इस पे आपका ध्यान जाएगा, जिस पे हो सकता है अभी हमारा कम ध्यान जा रहा हो। फिर आपको ये भी प्रश्न बनेगा कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों शरीर चला रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, अगला व्यक्ति क्यों जी रहा है, क्यों शरीर चला रहा है, क्यों हमसे भागीदारी कर रहा है, मैं क्यों भागीदारी कर रहा हूँ, कि परिवार क्यों है, समाज क्यों है, विश्व क्यों है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे आपका ध्यान जाएगा, जिस पे आप हो सकता है अभी रिजॉल्व ना हो, बट ऐसे मौके पे जब हमारे अंदर ऐसे प्रश्न उठते हैं हम रिजॉल्व हो जाते हैं, तो वह हमारे लिए लाइफ लॉन्ग एक उपलब्धि होती है। आप कई बार पाएंगे कि ऐसे मौकों पे ही कोई भाव हमको क्लिक कर जाता है, कोई वास्तविकता हमको दिख जाती है। जब हम अपने अंदर एक निग्रह बिंदु पाते हैं, हम पाते हैं कि अब इस बिंदु को देखना जरूरी है। तो अभी तो बहुत सारी चीजों पे हम काम चलाते रहते हैं, दूसरा मेरे अनुसार चल गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं चला तो कुछ जुगाड़ कर लिया, चला दिया, है ना, रास्ता बीच का निकाल लिया, ये सब है ना जुगाड़ के तरीके होते हैं कई बार। बट वास्तव में जहाँ पे हमें चिंतन होना है, बोध होना है, अनुभव होना है, उनको तो हम अभी ध्यान में रखते ही नहीं है। और वो तभी ध्यान में आते हैं जब ऐसे बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने आप में निर्णय लेना हो कि दूसरे मनुष्य के साथ न्याय करना है या अपने शरीर को बचाना है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या निर्णय लेंगे? अब ऐसे प्रश्न हमारे अंदर समान रूप से नहीं उठते, बट आप बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों की कल्पना आपके अंदर बन सकती है। तो आप वहां पे भी तय करते हैं कि अल्टीमेटली मुद्दा क्या है, न्याय होता क्या है, शरीर को बचाने का पर्पज क्या है, ठीक, एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो बारीक मुद्दों पे ध्यान आपका तभी जाता है जब थोड़ा सा प्रतिकूलता होती है या फिर अपने अंदर जिज्ञासा निर्मित हो जाए, है ना। अनुकूलता को देखते हुए भी जिज्ञासा निर्मित हो सकती है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है परिवार में, बड़े ठीक भी क्या चल रहा है, ठीक। अभी तो हो सकता है मान्यताओं का यहाँ पे चल रहा है, बट अल्टीमेटली मान्यताएं तो अंडरलाइन है। ये तो योग स्वयं की बात है कि जो दूसरा व्यक्ति है, स्पाउस है, उस वो है ना हमारे उनसे चल पा रहा है, कोई नहीं चलता तो तीसरा व्यक्ति हो घर में ना चले तो, कल को बच्चा हमारे अनुसार ना चले तो, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे मुद्दे अपने अंदर तैयार होने लगते हैं, तो फिर हम बारीकी से वास्तविकता को, संबंध को देखने का काम कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा, तो हम लोग आज इस अभ्यास को बनाए रखते हैं ना, और कल हम लोग फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो कल्पनाशीलता के प्रति सजगता को और बढ़ाते जाना है, भाव को भी सजग होना है। और ऐसे जो मुद्दे आज चर्चा में आए ना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उभरेंगे। अभी जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे उभरेंगे जो डीप डाउन हमको ट्रबल करते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी लिख लें, हमारे जो मेजर कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसको लिख लें, उसको देखें हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे भाव के स्तर पर परिमार्जन कैसे होना है वो और स्पष्ट होगा।